अरे उल्टा नहीं चढ़ा, यही नहीं पता कोच नंबर क्या है, सीट नंबर क्या खराब है। कोई OBHO स्टाफ ढूंढ रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। ऊपर सब सामान रखा हुआ है, तीन चार बार कह चुके हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। देवियों सज्जनों, मेरा नाम है शशांक, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो जी सबसे पहले आज के ब्लॉग शुरू करने से पहले एक बार हो जाए जय बाबा काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये डेली ट्रेन है, सिकंदराबाद से दानापुर के बीच में चलती है और इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं वाराणसी जंक्शन से। बनारस से लेकर दानापुर तक हमारी जर्नी रहेगी, शॉर्ट जर्नी रहने वाली है, लेकिन फेस्टिवल का टाइम आ रहा है और बिहार की अगर कोई भी ट्रेन होना भाई उसमें तो जर्नी करने का एक अलग ही माहौल बना रहता है, रश वगैरह आप सब जानते ही हैं। तो जी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे 1:30, ट्रेन चल रही है काफ़ी बिफोर, तो कुछ देर में ट्रेन हमारी आने वाली है। बाकी कई जर्नी भाई इस रेलवे स्टेशन से किए हैं और ये कुछ है अपना वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, इसको भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और बाहर कुछ इस तरह का माहौल है। यहाँ पर तो भाई आपको हमेशा 12 महीने 365 दिन हमेशा आपको श्रद्धालु आप दिखेंगे, टूरिस्ट दिखेंगे, क्योंकि बनारस तो आप जानते ही हैं भाई 2023 में देश के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाराणसी में ही आया था बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अगर आपने भी ये ब्लॉग देखना शुरू कर दिया है ना तो एक बार कमेंट में एक बार कर दीजिए भाई हर हर महादेव। बाकी चलिए चलते प्लेटफॉर्म पर, करते इस धमाकेदार जर्नी की शुरुआत। अपने ऑन टाइम से लगभग 35 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन का वाराणसी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल हो रहा है और मैं जब तक नीचे जाता तब तक अराइवल हो जाता, तो सोचा आपको ओवरब्रिज से ही दिखा देते हैं अराइवल। हमारी ट्रेन का ट्रेन नंबर 12791 12791 और आज की जर्नी हम थर्ड एसी में करने वाले हैं क्योंकि रश तो आप देख ही सकते हो बिहार की किसी भी ट्रेन में भाई स्लीपर या जनरल में ट्रेवल करना पता ही होगा आप लोगों को कितना ज़्यादा मुश्किल रहता है। एसी कोच को भी भाई जनरल या स्लीपर बना देते हैं, तो स्लीपर और जनरल का क्या हाल होता होगा वो तो पता नहीं। और आज का हमारा कोच है, अरे भाई जर्नी कर रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन यही नहीं पता कोच नंबर क्या है, सीट नंबर क्या, मैंने भाई अपना टिकट ही नहीं चेक किया है। तो आज का कोच है हमारा B4, सीट नंबर है 54, यानी कि अपर बर्थ। करंट में बुकिंग किया था, साइड लोअर नहीं मिली, इस बार अपर बर्थ से ही काम चलाते हैं। तो लगेज वगैरह मैंने अपनी बर्थ पर रख दिया, बाकी कोच है ना भाई हमारा बिल्कुल खाली है। बाकी अंदर से चल के आपको कोच की कंडीशन दिखा देते हैं कि किस तरह की कंडीशन है। बाहर से तो आप हालत देख ही सकते हैं, कुछ ये हालत है बाहर से। और यहाँ से जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको डस्टबिन वगैरह मिल जाएगा, एक पेंटिंग बनाई गई है जहाँ पर जो कुली रहते हैं ना रेलवे स्टेशन पर उनकी एक पेंटिंग लगाई गई है कोच हमारा B4। इसके सामने सामने आपको एक मिरर मिल जाएगा, ठीक ठाक साफ है, वैसे इनमें पानी वगैरह तो आ रहा है, सोप यहाँ मिलेगा नहीं, डस्टबिन दिया हुआ है और गंदगी भाई लोगों ने देखी है, ये भाई खाना पीना ऐसे ही फेंक रखा है। कंपार्टमेंट तो भाई साफ है, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। और इधर से हमारी निकल रही है मेमू, अभी हमारी ट्रेन निकलने में लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम बाकी है क्योंकि भाई 35 मिनट बिफोर आ चुकी थी। तो चलिए अब आपके साथ ट्रेन नंबर 12791 12791 के रूट शेड्यूल एंड टाइमिंग की जानकारी शेयर कर देते हैं। ये ट्रेन प्रतिदिन दानापुर से, ये ट्रेन प्रतिदिन सिकंदराबाद से सुबह 9 बजे निकलती है और अगले दिन शाम को आपको लगभग 6:30 में पहुंचा देती है दानापुर। 1830 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करती है 32 घंटे 30 मिनट में विद 28 हॉल्ट के साथ। एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड जाती है 130 किलोमीटर पर आवर। साउथ सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। सो गाइस फाइनली 35 मिनट बिफोर आने के बाद भी 10 मिनट डिले हम डिपार्ट हुए हैं वाराणसी कैंट से। आराम था, अरे उल्टा नहीं चढ़ते हैं, अब आपको पकड़ा है तभी चढ़े, नहीं तो नहीं चढ़ते। कैसे मत चलिए ना, चार बात ले रखा हाल। तो ये गलती जो अभी दादाजी ने की ना, ये गलती आप कभी ना करें। अगर ट्रेन भाई चल रही है ना तो चढ़ने की कोशिश ना करें, काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, इसीलिए जब वो चढ़ रहे थे ना तो भाई हमने उनका हाथ पकड़ दिया था। चलिए जी वाराणसी को करते हैं बाय बाय, हर हर महादेव। तो जी काफी अच्छी रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं काशी रेलवे स्टेशन को।
और रेलवे स्टेशन से निकलते ही शुरू हो जाएगा हमारा मालवीय ब्रिज, जो कि रेल कम रोड ब्रिज है। दर्शन कर लीजिए आप लोग बनारस के उन सभी ऐतिहासिक घाटों का जिसके लिए वाराणसी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विदेशी सैलानी से लेकर पूरा देश के लोग यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। और अगर आप कभी बनारस आए हैं, इन घाटों में, इस गंगा माँ में सवारी की है बोट की, तो कमेंट में एक बार जरूर बताइए, एक बार कमेंट में हो जाए भाई, हर हर महादेव, जय बाबा काशी विश्वनाथ। क्या मनमोहक दृश्य आ रहा है भाई, बहुत सुंदर। हमारी भाई निकल चुकी है, 35 मिनट बिफोर आई थी, हम अपने कोच में आए। कोच की एक तो हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई OBHO स्टाफ ढूंढ रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। और उससे मज़ेदार चीज़ दिखाएं, ये देखिए भाई हमारी सीटी मिलती है हर बार, लग रहा है इन लोगों को, ऊपर सब सामान रखा हुआ है। 3-4 बार कह चुके हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। अभी DDU तक वेट करते हैं क्यों? हाँ, DDU तक कर ही लेते हैं, क्या पता अभी अच्छे स्टाफ कहीं इधर उधर गए होंगे नाश्ता पानी खाना खाने, DDU तक देखते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। देखो भाई ये देखिए सारा सामान ऊपर डाला हुआ है। टाइम से लगभग 15 मिनट बिफोर हम लोग आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पे होने वाले हमारी ट्रेन का 10 मिनट का और लगाने के लगभग करीब 25 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और ये ट्रेन भाई हर जगह बिफोर पहुँच रही है। अब उसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं आखिर ऐसा क्यों। वाराणसी से पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है बूलनपुर, वहाँ से लेकर वाराणसी जंक्शन के बीच की दूरी है सिर्फ 6 किलोमीटर, और इस ट्रेन को टाइम दिया गया है 57 मिनट का। और वही कंडीशन वाराणसी जंक्शन से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच में भी है। इस वजह से भाई ये ट्रेन हर जगह अपना ऑन टाइम ही पहुंच रही है। तो जी DDU रेलवे स्टेशन पर आपको पीनट्स जैसी कई हेल्दी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी, अगर आप ये सब खाना चाहते खा सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर ये देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है, थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो हमने भी ले लिया है। ये 20 रुपये का हमें ये मिला है एक प्लेट, तो इसको टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। और अगर ट्रेन के खाने से बचना है और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है ना भाई, तो ये सब चीज़ें अगर रेलवे स्टेशन में मिल रही है तो काफ़ी बढ़िया है, इन्हीं चीज़ों को खाकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। तो ये जो पीनट्स है ना, मूंगफली के दाने जिसमें प्याज धनिया वगैरह डाल के मस्त करके बना दिया है ना, ये अभी पता किया था, ये भाई DDU का फेमस है। काफ़ी बढ़िया है भाई खाने के लिए, हेल्थ वगैरह को भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो DDU से कभी गुजर रहे हो ना,
इसको जरूर ट्राई करना, टेस्ट काफी बढ़िया है। तो एसी कोच के अंदर अंदर हम आ चुके हैं जनरल कोच के पास, क्योंकि यहाँ पे सेकंड एसी से लगा हुआ कोच था ना, ये खुला हुआ था। और यहाँ पर दिखाते हैं आपको टैलेंट, ये देखिए भाई टैलेंट, सारी खाली बोतलों को यहाँ लगा दिया, किसी स्टेशन पे उतरेंगे पानी भर लेंगे, मतलब फेंका नहीं है, तो ये अच्छा है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। और यहीं से आप कंडीशन देख लीजिए, अब इसके आगे तो भाई जाने से रहे, एक ही कोच लगा है, बैग वैग टंगे हुए। आप लोग दाना कहाँ, सिकंदराबाद से आ रहे हैं इतनी दूर से? चलिए यहीं बैठे बैठे, कल का ही बैठे होंगे 9 बजे का, बताइए भाई सब इसी में चल रहा है भाई साहब, ये हाल है। अभी बहुत दुकान है, खाली हो गया ना, पहले बहुत भीड़ था। लगभग 25 मिनट के एक लंबे हॉल के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है डीडीयू रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए आपको फ्रूट्स से लेकर खाने पीने की, भाई इस रेलवे स्टेशन पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये देखिए अमरूद, अंगूर, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको, खीरा, खीरा भी मिल जाएगा इसके साथ, स्टॉल्स भी काफ़ी है जहाँ से आप कुछ खाना पीना भी ले सकते हो। और यहाँ पर वाटर वेंडिंग मशीन भी है जहाँ से 5 रुपये में 1 लीटर आपको पानी मिल जाएगा यहाँ से। जी लगभग सिकंदराबाद से 1680 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के हॉल्ट नंबर 25 दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन यहां पर आई है अपने निर्धारित समय से लगभग 35 मिनट देरी के साथ। रेलवे के हिसाब से बात की जाए तो ये अपना दिलदार नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है दानापुर डिवीज़न, ईस्ट रेलवे के दानापुर डिवीज़न के अंडर में। वाकई भाई इधर अराइवल हुआ है किसी ट्रेन का, देखते हैं कौन सी ट्रेन अराइव कर रही है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन लगभग 35 मिनट देरी के साथ पहुँची, मतलब डीडीयू तक वाली ट्रेन 35 मिनट बिफोर चल रही थी, यहाँ आते आते 35 मिनट देरी से आ गई। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि एवं भगवान राम के शिक्षा दीक्षा स्थल पावन तीर्थ बक्सर में आपका स्वागत है भाई। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा रेलवे स्टेशन। मैं भाई आज बाहर नहीं जा रहा, पिछले 3 दिन पहले मैं यहीं से जर्नी कर रहा था कुंभ सुपरफास्ट की, पानी लेने की बोतल लेने के लिए बाहर गया था, अंदर ही नहीं आ पाया था, मतलब आ गया था लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी भाई। तो ये देखिए भाई आ रहा ट्रेन, हम लोग कितना बढ़िया आए थे ना डीडीयू से, एकदम मजे मजे में आ रहे थे, बस बक्सर और आ रहा एसी तो छोड़ ही दो है। बाकी चलिए 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है हमारा आरा रेलवे स्टेशन पर। आरा रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो दानापुर डिवीजन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन के अंडर में आता है। सो गाइस फाइनली आरा से हम लोग निकल चुके हैं, डिपार्चर थोड़ा सा लेट हो गया यार,
कॉल आ गया था एक, बाकी सनसेट भाई कितना प्यारा हो रहा है, वाह यार बहुत प्यारा सनसेट कर रहा है भाई। आप आइए ना, आइए ना, आइए ना। चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन, इसी के साथ यहीं पे होती है हमारी जर्नी एंड, क्योंकि ये ट्रेन इसके आगे भाई जाती नहीं। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बिहार में जो हाल है ना भाई, आ रहा बक्सर के बाद दिल्ली चलने वाले यात्रियों का, मतलब आपने ट्रेन में जगह ही नहीं मिलनी है, ये देख लीजिए। बाकी चलिए इसी के साथ इस जर्नी को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय।